नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के दुमदुमा से बता दें कि आज स्थानीय मोहल्ला दुमदुमा में पूर्व जिला पार्षद सह जदयू के वरिष्ठ नेता नाजिर अहमद अंसारी, युवा सामाजिक कार्यकर्ता तौकीर अहमद अंसारी के आवास पर एक पारिवारिक कार्यक्रम में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी उपस्थित हुए। पूर्व विधायक सह प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के महासचिव डॉक्टर फराज फातमी भी शामिल हुए। इस अवसर पर जनता दल यूनाइटेड के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इस अवसर पर मदन सहनी ने हमसे बात करते हुए क्या कहा है वो हम आपको आगे सुनाने जा रहे हैं। नजीर अहमद अंसारी के वरिष्ठ नेता जो है उनके पुत्र जो है उनके ही यहाँ एक कार्यक्रम था। खासकर बताया जा रहा है कि पार्टी के बहुत सारे लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों को नाजिर अहमद अंसारी और उनके परिवार के लोगों ने धन्यवाद दिया है। डॉक्टर फराज फातमी ने जो कहा है वो हम आपको आगे सुनाएंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोग हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रभारी रंजीत सिंह, इरशाद हुसैन, शहीद हुसैन उर्फ जूही, सबीर अंसारी, सारा मोहनपुर, अब्बू तालीब, फिरोज आलम, जारे 1/1 जिला परिषद मोहम्मद करनीन, शहर के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार सरवर कमाल भी शामिल हैं। सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू आपको सुनाते हैं यहाँ पर। आज यहाँ आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? बच्चे को हम लोग आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए आए हैं और हम लोग के पार्टी के नेता भी हैं और बहुत पुराना संबंध है इनसे। और हम लोग के डॉक्टर फराज फातमी साहब भी हैं, मुजफ्फरपुर से हम लोग पार्टी के यहाँ पार्टी के प्रभारी भी हैं। आज हम लोग के पार्टी का बैठक भी था तो बहुत सारे लोग आए और यहाँ के जितने भी हमारे पुराने साथी लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग को आकर के यहाँ बड़ा अच्छा लगा। और बच्चे को हम लोग आशीर्वाद देने के लिए, ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है लेकिन दल से भी जुड़े हुए हैं और दिल से भी जुड़े हुए हैं तो बड़ा अच्छा लगा आकर के। आज हम लोग शुभकामना देते हैं बच्चे की लंबी आयु, स्वस्थ रहे और जीवन में तरक्की करे, ये आशीर्वाद देते हैं। की गई जिसमें विभिन्न प्रखंड के लोग आए थे, क्या क्या के नहीं? इसमें आज मुख्य रूप से ये प्रदेश से निर्देशित यह बैठक था जिसमें हर बूथ पर हर गांव में अपने पार्टी के 10 वर्कर का जो है नाम चिन्हित करना था और नाम उसमें जोड़ करके उसका सत्यापन भी करना था कि नाम सही सही है। और सभी प्रखंड अध्यक्ष मौजूद थे, जिलाध्यक्ष भी थे, प्रभारी भी थे और मीटिंग बहुत ही अच्छे ढंग से चला। और हम लोग को यह इस बात का संतुष्टि है कि जनता दल यू आज भी मजबूत है, आने वाला समय में भी मजबूत होगा। खास करके बिहार के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं उस पर बिहार के लोगों को भी भरोसा है और इसीलिए लगातार मौका भी दे रहे हैं। लेकिन उसमें विशेषता यह है कि जो मिथिलांचल का इलाका है, चाहे वो मधुबनी हो, समस्तीपुर हो या दरभंगा हो, यहाँ हम लोग लगभग 100% सीट जीते हैं। एक सीट इस बार हम लोग जरूर लूज किए हैं लेकिन आने वाला समय में जो तैयारी चल रही है कि हम लोग 200 का 200 सीट जीते, यही जनता दल यू का और एनडीए का यही लक्ष्य है। सड़क का तो बनना और टूटना लगा रहता है और चूंकि बाढ़ ग्रस्त इलाका है और कोरोना के कारण सारे सड़क का टेंडर भी हो चुके हैं, संवेदक भी बहाल हो चुके हैं लेकिन संवेदक के द्वारा कहीं कहीं पर लापरवाही किया जा रहा है, काम विलम्ब से किया जा रहा है। इसी कारण से परसों हम लोग जिला पदाधिकारी के साथ और जो संबंधित विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, पथ निर्माण विभाग है, हम लोग का ICDS है या शिक्षा विभाग है, सो सभी के साथ हमने बैठक भी किया था और जिसमें हम लोग के द्वारा कहा गया है कि बरसात से पहले सभी सड़क को दुरुस्त करना है और नहीं तो हम लोग कार्रवाई भी करवाएंगे और अगर संवेदक समय पर काम नहीं करेंगे तो फिर से हम लोग निविदा प्रकाशित करवा करके तो उसका फिर से नए संवेदक के द्वारा काम करवाएंगे। हम लोग बहादुरपुर के अंदर में 14 बड़े पुल का निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं और ये 5 बड़े सड़क जो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का लंबा सड़क है, जो एक SH से दूसरे SH को और मुख्यालय से भी जोड़ने वाला सड़क है, ऐसे सड़क का भी हम लोग निर्माण कराने के लिए जा रहे हैं। कई APSC जो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा के लागत से भवन बनेगा तो ये सब तैयारी चल रही है और आपको 6 महीना से साल भर के अंदर में बहादुरपुर जैसे पहले हम लोग 2010 से लेकर के 2015 तक काम किए थे और चकाचक था, उसी तरह फिर 6 महीना साल भर के अंदर में हो जाएगा। में काफी दबाव हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ के समय में जो भी जगह चिन्हित है वो अभी हम लोग लगभग सभी जगह पर जो है कटाव रोधी कार्य करवाए हैं और कल ही विभाग के मंत्री जो संजय झा जी है वो हमको फोन करके सूचना भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ
हमारे क्षेत्र में योजना स्वीकृत हुआ जो हम लोग पहले से भी चिन्हित करके और प्रस्ताव उनको भेजे थे, तो वो सब स्वीकृत हो गया है। सभी कटाव जो है रोधी कार्य वो चल रहे हैं और कहीं भी हम लोग बांध को टूटने नहीं देंगे, इसकी तैयारी हो चुकी है। बाद में हमको भी सर बताएं कि क्या करना है। हम लोग यहाँ पे नजीर साहब के पोते का आज हकीका है। अभी नजीर साहब उनके फैमिली से हम लोगों का 30 साल पुराना रिश्ता है और हमसे हो या हमारे अब्बा मोहतरम से हो, बड़ी खुशी है। हम लोग दुआ देने के लिए आए हैं बच्चे को और लंबी आयु की दुआ करते हैं कि वो सेहतमंद के साथ वो तरक्की करे, आगे बढ़े, यही दुआ के साथ हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो माननीय मंत्री जी भी आए हैं उसी के लिए और हमारे प्रभारी भी हैं जनता दल यू के और तमाम हमारे वरिष्ठ लीडर्स हैं जनता दल यू के, वो भी तशरीफ लाए हैं इस फंक्शन में। बस इसी के लिए हम मुबारकबाद देते हैं पूरे परिवार। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का माहौल है, खुशी का समय है कि एक तरफ तो हमारे पोते का अकीका है, उसी तरफ आशीर्वाद देने के लिए माननीय मंत्री महोदय, माननीय पूर्व विधायक फराज फातमी साहब, माननीय काबीना में कैबिनेट मंत्री मदन सहनी जी और हमारे बिहार के प्रभारी तमाम लोग आए हैं और सारे वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ लोग आए हैं, फराज फातमी साहब के साथ तमाम लोग हैं। आज हमारे घर में खुशी का माहौल है, दल के लिए भी और दिल से भी। इसीलिए हम जिला पार्षद के जाले 1/1 से कर्नैन साहब भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। इसीलिए मैं तहे दिल से माननीय मंत्री महोदय को, माननीय प्रदेश सचिव फराज फातमी साहब को और माननीय दरभंगा जिला के प्रभारी महोदय और जितने वरिष्ठ नेता हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम जैसे अजना कार्यकर्ता के यहाँ आकर के इज्जत बख्शे और दल के प्रति माने एक निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए जो 30 साल पुराना रिश्ता हम लोग का है उसको उसके लिए दिल में जगह लेके हमारे घर आए, आज हमारे लिए इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं हो सकता। दल के लिए क्या खुशी की बात रही है? दल के लिए खुशी की बात यह है कि पूरा दल का माहौल है, आज मीटिंग हुई है प्रदेश के आदेश से, जिला माने प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई है और हमारे दल के प्रभारी भी आए हुए हैं जिला के और दल के मंत्री या विधायक तमाम लोग हैं, इससे बड़ी खुशी और क्या होगी मेरे। ठीक है, धन्यवाद। था नहीं, फैमिली फंक्शन था लेकिन वो लोग आए तो होता है, अब जब दो नेता बैठते हैं तो पॉलिटिक्स की बात होती ही है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें, अभी आने वाला चुनाव है, देखिए हमारे फैमिली से तो लोग खड़े होते ही हैं, हमारे फादर रह चुके हैं, पूर्व जिला पार्षद है रहे हैं और हमारे फैमिली के लोग खड़े होंगे। नगर परिषद का इलेक्शन आने वाला है, चेयरमैन के लिए हमारे घर से कोई ना कोई दावेदार होंगे ही होंगे और इलेक्शन में इस बार हम लोग लड़ेंगे और पूरी भागीदारी के साथ लड़ेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तौकीर अहमद है, लतराहा के रहने वाले हैं, जाले पड़े भी हुआ है, खासकर यहाँ आज एक शुभ के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से नूर साहब के पोता का आज हम लोग में जो छठी बुलाया जाता है उसी अवसर पर यहाँ आने का मौका मिला। आज पार्टी संगठन का भी बैठक थी, उसी में सारे साथी मंत्री जी फातमी साहब सब लोग उपस्थित हुए थे और सब साथ यहाँ आए हैं आशीर्वाद देने के लिए, पार्टी के पुराने साथी हैं और इस मौका पर हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। क्या नाम? रंजीत सानी, जिला संगठन प्रभारी। कहाँ के?